कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल टीबीटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो बताइए आप सबने हमारे लास्ट वीडियोस देखे कि नहीं अगर नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं आप सब जाके जल्दी से देखिए और उस वीडियो को लाइक भी करिए और उन्हें आगे बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें और एक चीज़ और है सर्दियाँ जा रही हैं अब फेब आ गया है और सर्दियाँ जा रही हैं धीरे धीरे तो क्या आप सबने गाजर का हलवा बना लिया नहीं बनाया है ना अगर नहीं बनाया है या बनाया है तो भी फिर से बनाइए और हर बार हम ऐसे बनाते हैं हलवा कि पहले दूध का मावा बनाते हैं फिर उसको जो है गाजर को घिस के उसको बॉयल करते हैं फिर उसको घी में भूनते हैं फिर उसमें मावा ऐड करते हैं लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है क्योंकि गाजर बहुत अच्छी आ रही थी तो उसको जो है घिस के एक नए तरीके से बनाया है नया तरीका नहीं है सब बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं लेकिन हम इसे ऐसा पहली बार बना रहे हैं क्योंकि आ, हमें लगा कि गाजर में बहुत सारा पानी है बहुत सारा रस है तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए और इसको इस तरह से बना के देखते हैं और कैसा बनता है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था तो आप सब भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा चलिए देखते हैं गाजर का हलवा और ये देखिए एकदम फ्रेश गाजर है ये और इसमें बहुत रस था और हमने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी गाजर को धोकर अच्छी तरह से इसको घिस लिया है और आप कलर देखिए इतना अच्छा लग रहा था ये इसका कलर देख के ही मज़ा आ रहा था और यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है और उसमें बिना कोई घी डाले कोई दूध या पानी डाले सिर्फ गाजर को घिसकर ऐसे ही आंच पर रख दिया था और इसको अपने पानी के साथ पकने देना है इसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं करना है घी या दूध ये याद रखिएगा लेकिन इस तरह से हलवा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो गाजर हो वो एकदम फ्रेश होना चाहिए क्योंकि अगर गाजर कड़ी होगी तो वो जल जाएगी और अच्छे से वो पक नहीं पाएगी क्योंकि अगर हमने इसमें घी नहीं डाला है तो वो अपने पानी से ही पकेगी ना देखिए इस तरह से कैसे आपने पहले देखा कि कैसे पैन पूरा भरा हुआ था और अभी देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये गलना शुरू हो गया है ध्यान ये रखना है कि आ, हमें जो गैस की आंच है वो मीडियम पे रखनी है ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे ये अपने आप पकेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस हलवे का ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे पकना शुरू हो चुका है और ये देखिए गाजर ने अच्छा खासा पानी रिलीज कर दिया है ये देखिए देखिए इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया था गाजर का अपना पानी है ये और इसी के साथ हमें इसको पकाना है इसमें घी और दूध भी ऐड करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद ये देखिए और इस हलवे के लिए हमने अलग से कोई मावा तैयार नहीं किया है हमने दूध ही लिया है फुल क्रीम मिल्क लिया है उसी को इसमें डालेंगे और एक बार फिर से चेक करते हैं ये देखिए थोड़ा सा और जल चुका है ये इसका पानी जो है थोड़ा और सूख चुका है ये देखिए और अब इसमें दूध डालने की बारी है और आपको ध्यान ये रखना है कि फुल क्रीम मिल्क यूज़ करना है जो भी मिठाइयाँ या हलवा हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा रिच बनता है वो तो उसमें कोई कंजूसी ना करें थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे दूसरे दिन लेकिन अभी तो अच्छे से खाना है हलवा तो ये देखिए यहाँ हमने आधा लीटर का पूरा पैकेट डाल दिया है दूध का और अभी दूसरा पैकेट भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि एक पैकेट से कुछ नहीं होगा एक किलो के करीब हमारी गाजर थी तो लगभग एक किलो हम दूध भी यूज़ करेंगे तब जाके हलवा रिच और टेस्टी बनेगा ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और उसको चलाते जाएंगे लीटर के करीब दूध भी ऐड कर दिया है हमने और अब बारी आती है पेशेंस रखने की क्योंकि ये धीरे धीरे पकाना है इसको क्योंकि तेज आँच करके आप नहीं पका सकते गिरने लगेगा और ये देखिए ये धीरे धीरे सारा दूध पकता जाएगा और गाजर में समाता जाएगा और एक अच्छा सा हलवा बनके तैयार हो जाएगा बीच में ध्यान ये रखना है कि आपको चलाते रहना है ये देखिए इस तरह से अब दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये अपने आप जो है मावा का रूप ले लेगा इस तरह से देखिए और गाजर की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है गाजर अपने आप पक जाएगी क्योंकि तो पहले ये खुद से पकी है और अभी दूध के साथ पक रही है तो ऐसे ही धीरे धीरे करके थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा लेकिन आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा और यहाँ पर देखिए अब धीरे धीरे जो है यह सम्पूर्णता की ओर बढ़ रहा है समापन की ओर बढ़ रहा है हलवा लेकिन अभी भी इसे और भूनना है हमें इसे और पकाना है ताकि जो है इसका टेस्ट और लजीज हो जाए और इस पॉइंट पे आके जब दूध एकदम से सूख जाए उसके बाद हमें इसमें घी ऐड करना है आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी सेहत के हिसाब से आपको जैसा पसंद है उस तरह से आप घी डालिए यहाँ पर हमने दो बड़े चम्मच घी डाला है घी थोड़ा डालना ही पड़ेगा तभी हलवा अच्छा बनेगा लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी दूध का जो टेस्ट है उसको टेस्टी बना देगा तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है लेकिन अगर ये सीज़न की चीज़ है आ, गाजर तो हर मौसम में मिलने लगा है लेकिन जो सर्दियों के मौसम में गाजर आती है उसका जो हलवा बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी होता है तो यहाँ पर हमने दो बड़े चम्मच घी डाला है और वापस से हम इसे भून रहे हैं और यहाँ पर ये यह हमने पिसी हुई इलायची ऐड की है इसमें इलायची किसी भी मिठाई को किसी भी हलवे को एक नया फ्लेवर देती है एक ताजगी देती है और अभी हम ऐड कर रहे हैं इसमें चीनी तो हम लोगों को थोड़ा कम मीठा पसंद है तो हम उसके हिसाब से ऐड कर रहे हैं आप लोगों को जितना मीठा चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं और अब देखिए इसका कलर अब ये हलवा पूरी तरह से रेडी हो चुका है इसका कलर देखिए और जो दूध था वो भी मावा का रूप ले चुका है और यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनी थी ये देखिए यहां पर हमारा टेस्टी यमी हलवा बनके तैयार है और फ्रेश गाजर जो यूज हुई है उसकी वजह से इसका कलर देखिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हम ऐसे ही और अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे हमारे साथ बने रहिए चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका अगर कोई सुझाव हो कोई राय हो तो आप हमारे साथ जरूर साझा करिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं थैंक यू सो मच बाय